तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे, सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं आप सबके दुख सुख के साथी हैं, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर आप सबके आशीर्वाद के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी, और वो लोग जो सिर्फ राज करना जानते हैं दिल्ली में बैठकर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, जिन्होंने बहुत मजबूरी में इस महान व्यक्ति को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया है, वो लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर सत्ता में हासिल करके बैठे हैं, वो लोग जो 8 साल से देश में राज कर रहे हैं लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाए, बेरोजगारी को रोक नहीं पाए, वो लोग जो चुनाव से पहले आपस में झगड़ा कराकर भाई से भाई को लड़ाकर राज करना जानते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह आपने ईडी का छापा पड़वाया है, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 3 दिन के बाद है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज ईडी की कार्रवाई वहां पर हो रही है, पूरा देश देख रहा है। मौका परस्त लोग जो भावनाओं को बढ़ाकर लोगों का वोट लेकर राज कर रहे हैं, हर मोर्चे पर देश को फेल किया है, 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या योगदान दिया 8 सालों के अंदर, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनाई है, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और जब चुनाव आएगा फिर आप वही करोगे, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यही 2-3 नारे हैं, बाकी खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, रोटी का, नौकरी का, उद्योग का, निवेश का, शिक्षा का, सड़क का, अस्पताल का कोई जिंदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले भाषण देने आ जाओ। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा, आपने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद नहीं आए। हां, आपको दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, और उनको कौन सा जिला मिला उद्घाटन करने के लिए, दौसा जिला मिला। उनको भी मालूम है कि जहां हमारा गढ़ है, हमारी पार्टी का, हम लोगों का, वहीं जाके दस्तक देनी है। आप कितनी मीटिंग कर लो, कितने फीते काट लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराये का फर्क करना जानता है, उसको मालूम है कौन हमारे जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहां पर आए हैं। इसलिए साथियों, मैं खासकर नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, आने वाला जमाना आपका है, ये प्रदेश और देश आपका है, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग अगर संगठित रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे, पिछले दिनों में मैंने प्रदेश में कई जगहों जाकर किसान सम्मेलन किए, और हमने केंद्र सरकार को आह्वान किया कि आपने खरीद पर कानून अभी तक नहीं बनाया, 3 काले कानून वापस ले लिए लेकिन MSP पर कानून नहीं बनाया। हम केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि MSP पर कानून बनाए ताकि किसान की खरीद एक गारंटी बने और कानून में प्रावधान डाला जाए। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गंगानगर में जब जब मैं आया हूं आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और सचमुच आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस ऐतिहासिक चौराहे पर, इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण में
मैं और हम आप सब लोग इकट्ठे शामिल हो चुके और अब हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए बन गया। आने वाली पीढ़ियां इस मूर्ति से प्रेरणा लेंगी। जिन चुनौतियों का सामना कर बाबा साहब ने पढ़ लिख कर इस देश के संविधान का निर्माण किया, वही बात स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे कि गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, दलित के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठ जाएं जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब इस देश और प्रदेश का विकास होगा। इस बात को सच करने के लिए हम सबको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर कलेक्टर SP बने, MLA MP बने, तो वो सब जानेंगे कि गांव में हकीकत क्या है, गांव में चुनौतियां क्या है, वास्तविकता क्या है, और अपने आप वो ऐसे नियम कानून बजट बनाएंगे कि हमारे देश प्रदेश का विकास हो सकेगा। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आने वाले समय में हम सब चाक चौबंद रहें, हमको बांटने वाले लोग, हमको लड़ाने वाले लोग, हमारे बीच में फासला करने वाले लोग, उनसे हमें सचेत रहना है। अच्छे लोगों का, भले लोगों का, अच्छी नीयत वाले लोगों का, आपके बीच रहने वाले लोगों का, आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले लोगों का आप चयन करें, अच्छे लोगों को आशीर्वाद दें, ताकि हम और आप मिलकर आने वाले समय में जिला, प्रदेश और देश में एक नई क्रांति ला सकें, एक नई पीढ़ी का हम लोग आगमन कर सकें। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं खासकर से करुणा जी का, अशोक जी का, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और खासकर इस समिति का जिन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति का निर्माण भी किया, योगदान भी दिया, आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे भी इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदार होने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं तो परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। हमारा आपस का प्रेम, प्यार, भाईचारा, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई आदिवासी है, कोई दलित है, हम सब का खून लाल है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। हमें इस भावना को आगे बढ़ाना है और देश और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हमारी एकता में कितनी ताकत है। इस एकता को बनाए रखो, भगवान हमको आने वाले समय में बहुत सारी खुशियाँ दे, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। सभी बैठे मंचासीन रहे सभी साथी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दलित एक्शन कमेटी के प्रेम जी नायक, भाई बंटी बाल्मीकि जी, भाई कश्मीरी इंदौरा जी, कमलेश कालूराम मेघवाल जी, गौतम बुद्ध का जो मोमेंटो है वो पायलट साहब को भेंट करेंगे। एक मिनट रुक जाएं साथी। कुनर रूबी भाई, एक मिनट अभी रुक जाएं सभी साथी, स्वागतीय भाषण है, एक मिनट रुकें सभी साथी। अभी अध्यक्षा भाषण भाई कुलदीप इंदौरा जी आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षा भाषण देंगे, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा रहेगी और जो ये कार्यक्रम का जो लोकार्पण है उसका भी जो रहेगा प्लेट का। अभी दलित एक्शन कमेटी के साथी भाई सचिन पायलट जी को मोमेंटो भेंट करेंगे, भाई कश्मीरी जी, प्रेम जी, रामशरण कोचर जी और कमलेश कालूराम मेघवाल जी। मेरा आग्रह रहेगा संविधान की किताब ले मेरे पास। इसके उपरांत भाई नंदू चौहान जी भी साथ रहें। अभी साथी रुक जाएं, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अशोक चांडक जी पायलट साहब को संविधान की जो पुस्तक है वो भेंट करेंगे, बाबा साहब के संविधान की पुस्तक। जिन साथियों ने मोमेंटो दे दी वो साथी पीछे आ जाएं, वो साथी पीछे आ जाएं जिन साथियों ने मोमेंटो दे दी। अभी अशोक चांडक जी भाई सचिन पायलट जी को संविधान की जो किताब है वो भेंट करेंगे, भाई बंटी बाल्मीकि जी भी साथ रहें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई कुलदीप इंदौरा जी से, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे वो आए और स्वागतीय भाषण के लिए भाई कुलदीप इंदौरा जी आए और स्वागतीय भाषण दे। सभी साथी मंच पे जो साथी हैं वो मंच पे विराज रहे। भाई दलित एक्शन कमेटी की तरफ से पायलट साहब को मोमेंटो भेंट, भाई कुलदीप इंदौरा जी आज का स्वागतीय भाषण। सभी साथी बैठ जाएं और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें सभी साथी। आज के इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में जो बड़ा ही शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें हमारे बीच में पधारे हमारे नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, इनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह कुंडर साहब, हमारे
इस कार्यक्रम में के जो आयोजक है करुणा चांडक जी, जो एक्शन कमेटी की दलित एक्शन कमेटी और नगर परिषद के द्वारा आयोजित करुणा चांडक, अशोक चांडक, भाई बंटी वाल्मीकि, भाई कश्मीरी इंदौरा, सोहन नायक, हमारे यहाँ के विधायक राजकुमार जी गौड़ साहब, सोना बावरी जी, शंकर पन्नू जी, तमाम मंचासीन हमारे नेता, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। मुझे आज भी याद है 1987 में इस मूर्ति का अनावरण हुआ था, इस बाबा साहब के नाम से ये जो पब्लिक पार्क था, रामनुभाय जी कलेक्टर हुआ करते थे, मेरे पिता श्री हीरालाल इंदौरा जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और सीताराम जी मौर्य जिन्होंने ये सारी बागडोर संभाली और इस मूर्ति का यहाँ उस समय अनावरण हुआ और आज हमें दोबारा ये अवसर मिला है कि इस मूर्ति का अनावरण हो रहा। ये पायलट साहब आपने एक इतिहास रच दिया, ये आपने एक ऐसा संदेश दिया है, दलित वर्ग के लोग दिन रात लगकर मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और इच्छा थी सबकी कि आप जैसा युवा नौजवान आकर इस मूर्ति का अनावरण करे ताकि सदा सदियों सदियों तक उस बात को याद रखा जाए। आज आप सभी का, तमाम साथियों का यहाँ पधारने पर आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, दलित एक्शन कमेटी, नगर परिषद का जिन्होंने बहुत ही शानदार इस कार्यक्रम को किया और पूरा प्रयास किया कि यह जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। मैं इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के सर्कल का अनावरण करते हुए पायलट साहब,